हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोहू मछली जो कि साधारण मछली होती है रोहू फिश, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। रोहू फिश का संघ कॉर्डेटा होता है, उपसंघ वर्टिब्रेटा, महावर्ग पिसीज, वर्ग ओस्टिकथीज होता है, यानी ये अस्थि से बनी हुई, इसके अंतःकंकाल अस्थि से बना हुआ होता है। इसका वंश लेबियो है और जाति रोहिता है। इसका वैज्ञानिक नाम है लेबियो रोहिता। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसको इंडियन कॉर्प के नाम से भी जानते हैं। इसका शरीर है वो सिर, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। शरीर नाव के आकार का होता है, यानी लंबा तड़कुरूपी होता है, जिसकी लंबाई 30 से 90 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे शल्क होते हैं, इन्हें हम साइक्लोइड शल्क के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनमें तैरने के लिए पृष्ठ पंख, श्रोणी पंख, इसके अलावा अंश पंख, पुच्छ पंख, गुदा पंख, इस प्रकार के पंख पाए जाते हैं जिनकी सहायता से जल में तैरती है। इनमें श्वसन के लिए आगे क्लॉम या गिल पाए जाते हैं, जिसको हम ओपरकुलम नामक संरचना यानी गिल आच्छद से ये ढके हुए होते हैं। इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा या क्लॉम के द्वारा होता है। इनकी जो पूंछ है वो तैरने में सहायता करती है। शरीर धारा रेखीय होता है जो कि इनको तैरने में मदद करता है। शरीर के अंदर पार्श्व रेखा तंत्र होता है जो तैरने के अंदर काफी मदद करता है। ये एक लिंगी होते हैं। नर में क्लेस पर नामक संरचना नहीं पाई जाती है। इनका अंतःकंकाल अस्थि से बना हुआ होता है। शरीर नौकाकार होता है और ये मुख्यतः मीठे पानी और खारे पानी दोनों के अंदर पाई जाती है।